ये 2p = 5p = 6r, तो p अनुपात r किसके बराबर होगा? तो हमको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, इन तीनों का एलसीएम लेके भाग दे देना है। तो भाग दे देते हैं, 2, 5 और 6 का एलसीएम क्या आता है, 30 आता है। तो 30 का भाग p में भी दे दो, q में भी दे दो और r में भी दे दो। तो ऊपर से जो भी संख्या है उसको काट लो, 2 से 30 कटेगा 15 बार, 5 से 30 कटेगा 5 6 20 बार और 6 से 30 कटेगा 5 बार। तो ये आ गया हमारा अनुपात। कैसे आ गया, क्योंकि ऊपर कुछ भी नहीं बचा है, ऊपर केवल पी क्यू आर बचा है और नीचे इसके अनुपात है।